हाय दोस्तों, आज हम पास्ता बनाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए। ये नमक लिया है 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, थोड़े से जीरा छोंकने के लिए, और ये पास्ता लिया है, और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और 3 प्याज लिया है लंबे से करते पे। हैं, गैस को ऑन करेंगे और गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए। जल्दी पानी बुलबुली छोड़ने लगा है और हम इसमें पास्ता डालेंगे। डालेंगे और इसको इस तरीके से चला देंगे। अब हम कुछ बूंदे तेल की डालेंगे, ये थोड़ा सा डालेंगे ताकि ये आपस में बिल्कुल चिपके नहीं, अलग अलग रहे, और इसे बराबर से चला देंगे। अब इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से उबल जाए। ये देखिए, ये हमारा पास्ता पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, वाली छन्नी लेंगे, ये देखिए, और इसमें छान लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग है, और अगर छानने के बाद भी चिपकता है तो थोड़ा सा इसमें आप तेल डाल सकती हैं। ये गैस पे हमने पैन रख दिया है और ये गैस की फ्लेम गैस जला देंगे और फ्लेम को तेज कर देंगे और इसमें डालेंगे तेल। तेल डाल देंगे, अब थोड़ी देर होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे मिर्ची। जीरा डालेंगे, फिर चला देंगे इस तरीके से। अब डालेंगे अपनी प्याज, हमने प्याज काट कर रखी थी वो डालेंगे, और फिर बराबर चला देंगे सुनहरा होने तक इसे भूजेंगे। ये इस तरीके से चलाते जाएंगे। ये हमारी प्याज हो गई है और हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी ऐड करेंगे और इसे अच्छे बराबर चला देंगे ताकि हल्दी मिल जाए अच्छे से प्याज में, इस तरीके से थोड़ा सा पक भी जाए। और डालेंगे टमाटर, और इस तरीके से चला देंगे और डालेंगे नमक। नमक सावन का हमने आधा चम्मच नमक लिया था, 1 चम्मच थोड़ा सा कम, तब ये तो लग रहा है थोड़ा सा कम होगा, इसलिए थोड़ा नमक कम और डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। गैस की फ्लेम को धीरे करेंगे और इसे बंद कर देंगे, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये बस कुछ मिनटों के लिए इसे खोल करके देख लेंगे कि हमारी सामग्री पकी है कि नहीं। ये हमारा टमाटर भी देखिए बढ़िया पक गया है, प्याज भी अच्छी हो गई है। अब हम इसमें अपना पास्ता डालेंगे, ये इस तरह से। हाँ, इस तरीके से बराबर से चला देंगे। ये हमारा पास्ता बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए इस तरीके से। ये बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और हम धनिया पत्ती डालेंगे, ये धनिया पत्ती से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये
स्वाद और बढ़ जाता है धनिया पत्ती डालने से। अगर आपके पास धनिया पत्ती नहीं है तो मत डालिए। ये हमारा पास्ता बनकर के तैयार हो गया है, ये देखिए।